नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे बड़ी और उससे भी हजार गुना महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि देवी माँ के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और बड़े ही कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि एक देवी माँ आपके घर में पधार चुकी है, जो कि आपके कुंडली में राजयोग बनेंगे और ये तीन लोगों का साथ छोड़ने पर आप मालामाल बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी भी लिख दें, ताकि माता रानी आपकी झोली भर दें। जी हाँ दोस्तों, आपके 10 बड़ी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी मात्र 24 घंटे के भीतर ही। दोस्तों, इसे अगर नहीं देखोगे तो मेरा गारंटी है कि आप उम्र भर तक बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों आने वाला इस साल का शुभ दिन आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुत खास रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ लगने वाली है 70 लाख के नोटों का बंडल और 32 लाख की गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, मजाक बिल्कुल भी ना समझे, जो आपकी किस्मत में है वह आपको अब मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन दोस्तों, यह घटना कोई रोक नहीं सकता है, और दोस्तों आपको जो यह समय में मौका मिलने वाली है, इस मौका को आप अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि ऐसा योग जिंदगी में बहुत सालों के बाद एक बार ही बनता है, और इसे अगर यूं ही जाने दे दीजिएगा तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, चाहे वह छोटी जानकारी हो या फिर बड़ी जानकारी हो, सभी को आपको पूरे ध्यान से सुनना है, तभी आप अपने जीवन में धमाल मचा सकते हो। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि यह देवी माँ आपके घर पधार चुकी है और आपके जीवन में करने वाली है अनेक प्रकार के बड़े बड़े चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, और साथ में दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आपका जीवन अब स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहां कहीं जाते थे वहां आपके खिलाफ ईर्ष्या होती थी, लोग जलते थे, आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी बातें करते थे तो दोस्तों बहुत समय उस बात को लोग इग्नोर कर दिया करते थे। दोस्तों, आपकी बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता था, लोग आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं करते थे। परंतु दोस्तों, आप में अगर दरिया दिल है, आपके अंदर वह गुण है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को अपने ओर तकलीफ नहीं देना चाहते, और ना ही किसी भी इंसान को आप किसी मुसीबत में देखकर अपने आप खुश रहते। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप बड़े ही साफ दिल के व्यक्ति हैं, आप सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूल कर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको तीन बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं, उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर एक, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हाँ, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है, कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है, लेकिन दोस्तों तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरकबी की देख कर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता, करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देख कर उनसे जलन रखते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है, शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं है, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हाँ दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें।
भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाए आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, बहुत सारे ऐसे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहाँ दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ने आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभलकर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है। इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और माँ लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और माँ लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं, कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ,
लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ।